25वां रोटरी विराट दशहरा मेला। रोटरी क्लब बरेली साउथ आयोजित विराट दशहरा मेले का शुभारंभ आज बरेली क्लब ग्राउंड में जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह की पत्नी नीता सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। उद्घाटन के अवसर पर क्लब के चार्टर अध्यक्ष डॉक्टर आईएस तोमर, अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, सचिव अनिल अग्रवाल, मेला डायरेक्टर संजीव खंडेलवाल, मेला डायरेक्टर मनोज सेठी, संजय गर्ग द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उसके उपरांत मेला प्रांगण में स्थापित दुर्गा माता के मंदिर में पूजा अर्चना करी नीता सिंह द्वारा मेले का भ्रमण किया गया। दशहरा मेला बरेली को स्वस्थ मनोरंजन तो प्रदान कर ही रहा है और मुझे जानकर अत्यंत खुशी है कि रोटरी क्लब साउथ इसकी आय को सामाजिक कार्यों में खर्च करता है तथा विकलांगों की सहायता में अग्रणी है। मेले में पुत आतिशबाज सुंदर आतिशबाजी की जाती है जिसमें उपस्थित जनता का मन मोह लिया। इस मेले में विभिन्न उत्पादों के 150 स्टॉल लगाए गए हैं जो जनता को अपने उत्पादों से नवीनतम जानकारी देकर लाभ पहुँचा रहे हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले लोगों को आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं जिनका दहन आगामी 22 अक्टूबर को मेले के अंतिम दिन किया जाएगा। सांस्कृतिक मंच पर दिल्ली से अंकिता और उनकी टीम ने जमकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। क्लब अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मेले को सफल बनाने में आईएस तोमर, रवि प्रकाश अग्रवाल, अजय जिसोरिया, अचल कुमार, अनूप अग्रवाल, संदीप मेहरा, मनोज सेठी, संजय गर्ग, राजीव अग्रवाल, डॉक्टर त्रिलोक चंद अरोड़ा, हरीश मलिक, अनुपम कपूर, रमेश वाशनेय, विशाल अरोड़ा, विनेश प्रधान, विनेश गोयल, रूप तिलक, चरण कमल सिंह, राजीव तनेजा, डॉक्टर विनोद पगरानी, विभोर भरतिया, उमेश तलवार, चंद्र प्रकाश, डॉक्टर सुनील कुमार, संजीव खंडेलवाल, राजकुमार खंडेलवाल, राजीव खंडेलवाल आदि का सक्रिय सहयोग रहा। राम मेला डायरेक्टर संजीव खंडेलवाल ने बताया कि कल रात्रि फैशन शो का आयोजन किया जाएगा जिसे सुचित्रा साड़ी द्वारा किया जा रहा है। मुझे करनी है अभी पढ़ाई, नहीं करनी है अभी पढ़ाई, पहले कल मैं नाम करूँगी, ऐसा जग मैं काम करूँगी, मैं हूँ देश का असली भविष्य, क्यों उसको बेकार है, सही गलत क्या है मैंने जान लिया है, पर क्यों छीन रहे हो हमारे बचपन कानून, पढ़ाई लिखाई करने का मैंने अच्छा ट्रैफिक लाइट तैयार है, ट्रैफिक और ये ट्रैफिक लाइट मेरे साथ यहाँ पर आइए। ट्रैफिक लाइट भगत सिंह, इसके बाद जेंटलमैन, और ये जितने भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे मेले को स्पॉन्सर किया हुआ हमारे पीएल एग्रो बैरकोलू ने। ये संदेश दशहरा की धारा, हैप्पी दशहरा, जय श्री राम।
बहुत जोरदार तालियां। साथ दे रहे थे जिससे व्यवस्था हम लोगों की बनी रहे। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, जो प्रतियोगिता हो जाएगी उसके बाद जो हमारे जजेज हैं वो इसमें निर्णय लेकर के आपको देंगे। तो आप सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, मेरे को नहीं पता कौन सा बच्चा फर्स्ट आएगा कौन सा सेकंड। थैंक यू मैम, आप आए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमको। और ये पूरा प्रोग्राम फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम हमारा मैं संजीव खंडेलवाल, रोटरी क्लब बरेली साउथ, जो ये 34वां दशहरा मेला लगा रहा है इसमें आज के बहुत अच्छे कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं बच्चों के साथ में, फैंसी ड्रेस के जूनियर सीनियर दोनों तरह के बच्चों के प्रोग्राम हो रहे हैं, डांस कंपटीशन होगा फैंसी ड्रेस का है, और जो हमारे सिंगिंग बरेली वॉइस का है, डांस बरेली डांस का है, इस तरह से बेस्ट कपल और मेला क्वीन वगैरह हम लोग सारे प्रोग्राम इस तरह से अपने छोटे वाले मंच से करते हैं। बड़े वाले मंच से हमारे सारे जितने भी ग्रुप डांस वगैरह होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो बैंड भैया ने अभी बताया, हम लोग कल के डेट में जो संडे को हम लोगों ने एक फैशन शो डिज़ाइन कराया है उसमें सारे जो पार्टिसिपेट हैं वो सब दिल्ली वगैरह के और बॉम्बे वगैरह के पार्टिसिपेट, जो फैशन शो वाले प्रॉपर फैशन शो के होते हैं वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ आपके क्लब द्वारा कुछ विकलांगों के लिए और विकलांगों के लिए हम लोग ये ट्राई साइकिल हमारे कैंप ऑफिस के बाहर लगी हैं, हम लोग इसको इस साल भी पिछले साल भी हर साल ट्राई साइकिलें बांटते हैं, इस साल भी हम लोगों ने 24 साइकिलें यहाँ पे ट्राई साइकिल का वितरण 22 तारीख को होगा और उसका हम लोग बाकायदा सबका उनका एक टेस्टिंग करते हैं, जो उसकी ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों को ही ये ट्राई साइकिल अरेंज कराई जाती हैं और उनसे प्रयास करा जाता है कि उनसे वो लोग कोई व्यापार करें, कोई भीख वगैरह या उस तरह से उसमें ना मांगे। हम लोगों का यही सुझाव उन लोगों के लिए रहता है कि वो लोग अच्छे से उसमें अपना कोई भी सेल्स का काम करें या कोई भी बिक्री का काम हो वो करें। धन्यवाद। आतिशबाजी का भी कुछ अच्छा आकर्षक रहा? हाँ, आतिशबाजी का रंगारंगम कार्यक्रम होता है, ये तीन पुतले पीछे लगे हुए हैं, तीनों जो पुतलों का दहन कराया जाता है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का दहन होता है, ये भी 22 तारीख को आखिरी दिन जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें आखिरी दिन इसका भी जो है वो रावण दहन कराया जाता है। और वो ग्रुप डांस का कार्यक्रम होगा। कोई फिल्मी कलाकार भी आ रहे हैं? फिल्मी कलाकार तो नहीं है, लेकिन परसों निधि रस्तोगी हैं, वो सारेगामा फेम हैं, उनका आपको सिंगिंग सुनने को मिलेगी, पूरा बैंड आ रहा है उनका, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा।